नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज फोकस और अब भी हम मौजूद हैं एक्साइज विभाग में, जहाँ जो कि बंजारी में स्थित है। ये देख सकते हैं यहाँ पे रेडियो रिमझिम के पास ये स्थित है। गोपालगंज का मेन NH 28 है, वहाँ से आपको चले आना है और यहीं पे एक्साइज की गाड़ियाँ लगी रहती हैं। कुछ गाड़ियाँ बलथरी चेक पोस्ट, जो फोर व्हीलर है वो बलथरी चेक पोस्ट के पास लगी हैं, कुछ फोर व्हीलर यहाँ पे लगी हैं और कुछ बाइकें भी यहाँ पे लगी हुई हैं, जो कि शराब जब्ती के दौरान ये गाड़ी पकड़ी गई हैं। और इन गाड़ियों की सरकार के द्वारा नीलामी हो रही है, वही गाड़ी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आप सभी को अब गाड़ी दिखाना शुरू करते हैं कि नीलामी के लिस्ट में कौन कौन सी गाड़ी है। हम आपको खोज के दिखाएंगे कौन सी गाड़ी नीलामी के लिस्ट में है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे नाव से लेके बहुत सारी अन्य गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, जो कि शराब के दौरान इन नाव से भी शराब की तस्करी की गई है, इसलिए ये नाव पकड़ी गई है। और नाव भी आप लोग ले सकते हैं, ये देखिए नाव का कीमत मात्र 5,000 रुपये है। इसमें से अगर नीलामी में आप लोग नाव खरीदते हैं तो आपको कोई भी नाव एक दे दिया जाएगा, 5,000 रुपये मात्र कीमत रखा गया है नाव की। तो 5,000 रुपये में आप लोग गोपालगंज नीलामी में भाग लेके खरीद सकते हैं। 12 तारीख तक फॉर्म भरा रहा है, 12 तारीख तक फॉर्म आके आपको ऑफिस में जमा कर देना है, मद निषेध कार्यालय गोपालगंज में। फॉर्म कैसे भरना है, नीलामी का पूरा प्रोसेस का वीडियो मैंने कल बना दिया है, अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप लोग वीडियो देख लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एकदम नया गाड़ी दिखा रहे हैं आपको कि पल्सर है, जो कि एकदम नया गाड़ी है पल्सर। 278 नंबर सीरियल पे आप लोग ये देखेंगे, एकदम नई पल्सर की बाइक है, जो कि आप लोग सस्ते दामों में एकदम खरीद सकते हैं। इस पे इसका केस नंबर है 42/22, इसका केस नंबर है और नीलामी के लिस्ट में ये गाड़ी है। 278 नंबर सीरियल पे आप लोग देखेंगे ये पल्सर आपको मिलेगी। इसका चक्का से लेके इंजन तो काफ़ी बढ़िया है और आप लोग ये गाड़ी खरीद सकते हैं। और आप लोग 18,000 रुपये इसका मिनिमम प्राइस रखा गया है, बेस प्राइस 18,000 रुपये है, 18,000 से इसकी बोली शुरू की जाएगी। तो आप लोग गोपालगंज में ये पल्सर गाड़ी, अगर जो रेसर के शौकीन है वो गाड़ी ये खरीद सकते हैं। इसका नंबर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, देखिए BR28H5712 इस पल्सर का नंबर है। तो आप लोग नीलामी भाग लेके ये शानदार पल्सर आपको मिल सकती है, आप लोग देख लीजिए इसका एक बार कंडीशन, अगर आपको पसंद आती है तो ये गाड़ी आप लोग खरीद सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए गाड़ी का कंडीशन पूरा मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार देख लीजिए और पसंद आती है तो आप लोग ये गाड़ी खरीद सकते हैं। तो आप लोग ये गाड़ी देख लीजिए, 37 नंबर सीरियल के नीलामी के लिस्ट में ये गाड़ी है और इसका नंबर मैं आपको बता दूँ, UP57R8827 इसका नंबर है। और ये आप लोग डिस्कवर मात्र 5,500 रुपये में खरीद सकते हैं, मात्र 5,500 इसका कीमत रखा गया है। तो आप लोग एक बार आगे से देख लीजिए और ये काफ़ी आपको शानदार बाइक मात्र 5,500 रुपये में मिलने वाली है। एक्साइज में ये गाड़ी लगी हुई है, आप लोग आके देख सकते हैं और इसका केस नंबर 258/21 है। तो आप लोग एक्साइज में आके ये गाड़ी देख सकते हैं, जो कि बंजारी में स्थित है, और आप लोग आएँ और नीलामी में भाग ले गोपालगंज में ये मात्र 5,500 में बाइक खरीद सकते हैं। इसका इंजन एक बार आप लोग देख लीजिए और चक्का भी काफ़ी नया चक्का है और इंजन देखेंगे तो इंजन भी काफ़ी बढ़िया है। इसका इंजन भी एक बार आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, इंजन भी काफ़ी बढ़िया है और इस पर केस नंबर भी लिखा है 258/21। और ये आप लोग गाड़ी देख लीजिए, 34 नंबर सीरियल के नीलामी के लिस्ट में है। गाड़ी का नंबर आप लोग एक बार देख लीजिए, BR28A9833 इसका गाड़ी का नंबर है, BR28A9833 गाड़ी का नंबर है। HF डिलक्स गाड़ी है, बहुत ही शानदार आपको बाइक ये मिलने जा रही है मात्र 2,500 रुपये में। तो 2,500 रुपये इसका मिनिमम प्राइस रखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसका बोली मात्र 2,500 से शुरू किया जाएगा और 2,500 बोल के ये गाड़ी आप लोग ले सकते हैं। तो आप जितना बढ़ेंगे उतना के अनुसार आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन आपको ये बहुत ही सस्ती HF डिलक्स मिलने वाली है। 35 नंबर सीरियल पे ये गाड़ी है, इसका किस नंबर है 264/21 और मैं इसका नंबर आप सभी को बता देना चाहता हूँ। इसका नंबर आप लोग एक बार देख लेंगे, गाड़ी का एक बार आप लोग कंडीशन देख लीजिए, गाड़ी अगर आपको पसंद आती है तो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस नंबर दिया हुआ है, 264/21 इसका किस नंबर है। और मैं इस गाड़ी का आपको नंबर यहाँ से नहीं है लेकिन मैं नंबर आपको बता देता हूँ, गाड़ी का नंबर है UP52J1133 इस गाड़ी का नंबर है और मात्र आपको ये गाड़ी मिलने वाली है 4,500 रुपये में। 35 नंबर सीरियल पे है, 4,500 इसका दाम रखा गया है। और इसका एक बार कंडीशन देख लीजिए, चारों तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कंडीशन दिखा दूँ गाड़ियों का, कि जो गाड़ी का कंडीशन है वो एक बार आप लोग देख लें, अगर पसंद आती है तो आप लोग ये स्प्लेंडर गाड़ी ले सकते हैं। कमानी वाली बाइक नहीं है, एलाइबल रिंग है और ये आप लोग ले सकते हैं गाड़ी मात्र 4,500 रुपये में। नीलामी के लिस्ट में आप लोग एक साइज में जो भी नाव आप लोगों को मिलती है तो मात्र 5,000 रुपये में नाव आप लोग ले जा सकते हैं अपने घर।
तो 5000 रुपये इसका कीमत रखा गया है और आप लोग 5000 से इसका बोली नाव का शुरू किया जाएगा। चलिए मैं और भी आप लोगों को बाइक दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए तमाम बाइकें लगी हुई हैं जो कि बिहार में अभी पूर्ण रूप से शराब बंद है, निषेध अधिनियम के द्वारा ये गाड़ियों को पकड़ा गया है और इन गाड़ियों पर रासत करके इन गाड़ियों की नीलामी की जा रही है। और भी मैं आप सभी को बाइक दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत ही शानदार गाड़ियाँ हैं जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। मैं आप सभी को बता दूँ कि ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं डिस्कवर, जिसका केस नंबर 272/21 है और 12500 इसका कीमत रखा गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखिए BR28F2096 गाड़ी का नंबर है और नीलामी का जो लिस्ट है इसमें BR28E एफ के जगह ई, ये आप लोग क्या कीजिएगा, एक्साइज में संदीप भैया है उनसे आप लोग सुधरवा सकते हैं और ये BR28E2096 मतलब यहाँ पे आपको सुधरवा लेना है, सिर्फ ई के जगह पे एफ करवा लेना है। तो उसके बाद आप लोग नीलामी में जो पेपर मिलेगा वो ई से मिलेगा और बस आपको एफ करवा लेना है। तो आपका वहाँ से एक्साइज विभाग है उसमें से आपका स्पेशल, हमने एक्साइज की जितनी गाड़ियाँ हैं उनका लिस्ट एक अलग बना दिया है, आप लोग एक्साइज थाना की गाड़ी इस लिस्ट से आप लोग जाके देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं इसका कंडीशन देख लीजिए, चक्का एकदम नया चक्का है गाड़ी का और आप लोग इंजन भी गाड़ी एकदम नई है, 272/21 इसका केस नंबर है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ इस मोटरसाइकिल का कीमत मात्र 12500 रुपया रखा गया है। रेड कलर की गाड़ी है और काफ़ी शानदार ये आपको गाड़ी मिलने वाली है और आगे से भी एक बार गाड़ी देख लीजिए, फूटा टूटा नहीं है कहीं पर भी और गाड़ी एकदम आपको बढ़िया मिलने वाली है। तो आप लोग नीलामी में भाग लेके ये शानदार गाड़ी खरीद सकते हैं। 36 नंबर सीरियल पे ये गाड़ी है और जिसका कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं सभी गाड़ियों को शानदार कहता हूँ लेकिन आप लोग एक बार आके गाड़ी को भी देख लीजिएगा भैया। लेकिन आप लोग अगर गाड़ी पसंद आती है तो आप लोग ये गाड़ी खरीद सकते हैं। ये देख लीजिए गाड़ी, इसका मात्र 5500 रुपया जो रेट रखा गया है गाड़ी का उसके अनुसार गाड़ी ठीक है। 5500 रुपये आपको बाहर ये गाड़ी मिलने वाली नहीं है, 5500 रुपये इसका नीलामी की लिस्ट में दाम रखा गया है। और आप लोग जो बढ़ते हैं बोली उसको हिसाब से बढ़ा कीजिए, जैसे मान लीजिए 5500 का गाड़ी है तो आप इसको लेके बिना देखे हुए लेकर चले जाएंगे 20000-30000। लेकिन गाड़ी आप लोग, इसलिए मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी आप लोग जो बोली लगा रहे हैं उसको सोच समझ के लगाएं। और ये गाड़ी का किस नंबर है 270/21 और गाड़ी का मैं नंबर बता दे रहा हूँ आप सभी को, गाड़ी का यहाँ पे नंबर मिट चुका है लेकिन मैंने नंबर बता दे रहा हूँ, DL3CAL6076 इसका नंबर है। और ये गाड़ी डिस्कवर आपको मिलने वाली है, यहाँ इधर से भी आप लोग एक बार देख लीजिए। और आपको गाड़ी अगर पसंद आती है तो 5500 रुपये में ये नीलामी में भाग लेके खरीद सकते हैं। एक बार देख लीजिए गाड़ी का कंडीशन और इधर से भी आप लोग एक बार गाड़ी की कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे जंग लग चुका है। और ये गाड़ी अगर आप लोगों को पसंद पड़ती है तो आप लोग डिस्कवर 5500 रुपये में ले सकते हैं। तो आइए आज हम आपसे मिलवाते हैं एक्साइज सुपरिटेंडेंट राकेश सर से। सर आप बताएंगे कि कितनी गाड़ियों की नीलामी हो रहा है? कुल 564 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है जिसकी तिथि 15 है, 18 है और 21 तारीख है, 21 अक्टूबर ये। और इसमें फॉर्म भरने का जो है वो 12 तारीख लास्ट डेट है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो आके यहाँ कार्यालय में फॉर्म मिलेगा, उसके साथ एक आधार कार्ड अपना लगाना होगा, 2 फोटो लगाना होगा और जो वाहन वो नीलामी में लेना चाहते हैं उसके 20% का ड्राफ्ट साथ में संलग्न कर 12 के पहले जमा कर दें। जी सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है? नहीं, ऑनलाइन पहले होता था तो उसमें घर बैठे लोग अपने कंप्यूटर से भाग उसमें लेते थे, अब यहाँ फॉर्म भरने के बाद जिले में ही ऑफलाइन यहाँ उपस्थित होकर उनको बोली लगाना होगा, यही। तो जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से हम एक्साइज के जो बंजारी में स्थित है वहाँ की गाड़ी आपको एक एक करके हमने दिखा दिया है। और आप लोगों को जो भी गाड़ी अगर पसंद आती है वो नीलामी में भाग लेकर आप 12 तारीख को खरीद सकते हैं। प्रक्रिया का आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्रक्रिया का आप लोग वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे फॉर्म भरना है, वो वीडियो मैंने बना दिया है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो भी नीलामी से आप लोग गाड़ी खरीद रहे हैं उसको सोच समझ के बढ़िए और आप लोग को फ़ायदा हो, जिससे आप लोग जो भी लोग गाड़ी खरीद रहे हैं नीलामी से, जो भी लोग गाड़ी खरीद रहे हैं वो एक आस लेके आते हैं कि हमको सस्ते रेट में गाड़ी मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे कुछ लोग हैं जो बिना देखे हुए गाड़ी का रेट हाई कर देते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग गाड़ी देख लें और उसी के अनुसार आप लोग बोली लगाएं, सोच समझ के गोपालगंज में आएँ और बोली लगाएं। और यहाँ पे आपको तमाम गाड़ियाँ सस्ती सस्ती मिलने वाली है गोपालगंज में। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो एक्साइज सुपरिटेंडेंट है राकेश सर, उनके कार्यकाल में आप लोगों ने देखा होगा कि सस्ती सस्ती गाड़ी और जल्दी से जल्दी नीलामी, और उनके इतना ईमानदार व्यक्ति आपको किसी भी जिला में नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग गोपालगंज में गाड़ी खरीद रहे हैं
तो राकेश सर के संरक्षण में ये सब गाड़ियाँ रखी गई हैं, एक्साइज सुपरिटेंडेंट है और आपको गाड़ियाँ भी मिल रही हैं तो सस्ती रेट में मिल रही हैं यहाँ पे गोपालगंज में। तो आप लोग गोपालगंज पहुँचिए और नीलामी का हिस्सा बनिए और लिस्ट आप लोग टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर मैं आऊँगा अगली बार और यहाँ पे की जो भी गाड़ियाँ हैं आपको दिखाऊँगा कि जो कौन सी गाड़ी सस्ते रेट में है जो कि आप लोग को मिल जाए। और जो नीलामी की लिस्ट में थी ज़्यादातर हमने कोशिश की कि वो गाड़ी आपको दिखाएँ। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई सूचना के साथ, तब तक अपना रखिए ख्याल। नमस्कार, जय हिंद।